Assalamualaikum प्यारे वालेकुम जी, सलाम। मैं इंग्लिश और फिलॉसफी की टीचिंग स्टूडेंट हूँ कमाल कर दिया। और मेरा सवाल भी फिलॉसफी के हवाले से ही है। हजूर, मेरा सवाल ये है कि जो पहले यूनानी फिलोसोफर्स हैं, जिस तरह सक्रात या प्लेटून, जिनको अफलातून भी कहते हैं, या अरस्तून, उनकी अगर तालीम देखी जाए, अल्लाह ताला के नबियों से बहुत मिलती जुलती तालीम है। हालांकि खुदा ताला ने उनका जो हवाला है कुरान पाक में नहीं दिया हुआ, लेकिन जैसा हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिन जिन नबियों का नाम लिया, उनके अलावा भी बहुत ज़्यादा नबी दुनिया पे आए हैं। तो क्या हम उनकी मखलूक, जो पहले यूनानी फिलोसोफर बात है, यह है कि हर ज़माने में जो साइंसदान हैं या लोग हैं, इनको बाज़ लोग नबी कहते हैं, हैं? जी जो लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे इनकलाब आ जाए दुनिया में और बेहतरी आ जाए और अखलाक अच्छे हो जाएं, तो वो लोग, उनका एक लिहाज से नबूवत का दर्जा ही है। हो सकता है उनको नबी का मुकाम हो, अल्लाह ने दिया हो। बाज़ लोग समझते भी हैं उनको, सुकरात वगैरह को नबी तो कह सकते हैं उनको। देखिए बात हैं, वो गालिब है, गालिब मिर्ज़ा गालिब था ना, छोड़े शराब पिया करता था हैं, और शायर बड़ा अच्छा था। उसके शेर इतने अच्छे अच्छे हैं कि मुस्लिम बाबू ने भी कोट किए हुए हैं अपने पास तफसीरों में, तकरीरों में। असली हराबे भी उसको बड़ा कोट किया करते थे। वो एक ना एक शेर है उसका कि ये मसाइले तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते जो लम्बा दखार होता। तेरा मुकाम तो वलियों वाला है, लेकिन मसला ये है कि तुम शराब पीते हो लोगों के सामने, इसलिए मुश्किल मुश्किल है। तो देखिए अपनी जगह, देखिए उनके अजर मिलते हैं। और जो कौमों में तब्दीलियाँ पैदा करते हैं नेक, अल्लाह ताला उनको वलायत का दर्जा देता है। हाँ?